KFC आ गया है झांसी में। KFC रिसेंटली अभी ओपन हुआ है स्टोर, और हमने सोचा क्यों ना हम भी KFC चलते हैं, और ये मेरे भाई, और अब हम लोग KFC जा रहे हैं। मेरी अब अभी मेरा हमारा पन्ना वाला जो वीडियो है वो बहुत जल्द आने वाला है, और हम उसके एक्चुअल में क्या है, पन्ना के बाद हम खजुराहो गए, खजुराहो भी हमने घुमा है, तो वो वीडियो कंटिन्यूसली में आने वाले हैं। और साथ ही इस वीडियो की भी, अब आपको तो पता था, मैंने उसमें भी बताया था कि मेरी 2 दिन तबीयत ठीक नहीं रही और उतना मज़ा भी नहीं आया उस वीडियो में, बट घूमने लायक बहुत अच्छी जगह थी। फिलहाल अभी हम KFC आ चुके हैं, KFC चलते हैं। तगड़ी भीड़ उसके जगह नहीं है, बताओ कोई चढ़ा के लगा दो। हमारा KFC जो झांसी में अभी रिसेंटली ओपन हुआ है, अब हम अंदर चलते हैं फिर मिलते हैं। हमने सोचा नहीं था कि यहाँ इतना रश होने वाला है, और लगता है कि स्टोर काफ़ी छोटा है, ठीक है। और ये मेरे कुछ फ्रेंड्स जो हमारे साथ। हेलो गाइस, कैसे हैं? ये फिट है, हम तो बड़ी बात चिंता है भाई। अभी हमें ज्वाइन किया है, बट ठीक है, लोग को भी एंजॉय करने देते हैं। और मतलब अगर टेस्ट का देखा जाए तो टेस्ट काफ़ी अच्छा है। मतलब जनरली मैंने भोपाल रेस्टोरेंट विजिट किया था जब मैं भोपाल गया हुआ था, तो वहाँ टेस्ट में मेरे को उतना अच्छा नहीं लगा था, तो मैंने उसका फीडबैक भी दिया और उसका एक कंसर्न भी रेज किया था कि उधर प्रॉपर कुक भी नहीं था, बट झांसी में काफ़ी अच्छा टेस्ट है और काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज भी किया गया है। एटलीस्ट इधर इतना भीड़ था, इतना रश था कि हम वीडियो शूट नहीं कर पाए, बट अब आप देख सकते हैं स्टोर भी ऑलमोस्ट क्लोज हो चुका है, क्योंकि मतलब अनएक्सपेक्टेड पब्लिक आ रही है और उनको इतना आइडिया भी नहीं था कि झांसी के लोग इतना KFC को लव करने वाले हैं और वो मतलब इस स्टोर को, एक फ्रेंचाइज को इतना पसंद करते हैं, तो उस वजह से इधर काफ़ी रश था और बहुत मज़ा भी आ रहा है कि चलो एटलीस्ट झांसी में एक के बाद एक नए नए स्टोर आते जा रहा है। ये हमारे झांसी की पब्लिक के लिए बहुत अच्छा है, और ऐसे ही हम मिलते रहेंगे, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। हम लोग आए हैं कॉफ़ी पीने सदर में, ये सदर बाज़ार एरिया है, और ठंड भी है तो सोचा कॉफ़ी भी ट्राई कर ली जाती, कर सकते हैं। वैसे चाय का मन था, बट फाइनली हमने सोचा कि चलो, बाकी हमारे ग्रुप में और दो लोग हैं वो लोग कॉफ़ी पीना चाहते थे, फिर हमने सोचा क्यों ना हम भी कॉफ़ी पी लेते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली इश्यू नहीं है। और अब हम कॉफ़ी पीने आए हैं, इसके बाद फिर हम घर जाएंगे।